हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं जो आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, वो जैसे आपने देखा मेरी मेकअप सीरीज़ है, जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी फाउंडेशन के बारे में, तो कैसे कलर चूज़ करें, तो कैसे सिलेक्ट करना है हमें अपना शेड, उसके बारे में थे। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो है कंसीलर के बारे में। तो जो मैं आपको बताऊँ कि जो कंसीलर होता है वो कैसे चूज़ करते हैं और कैसे करना चाहिए, कैसे चूज़ करना चाहिए, क्या होता है और कैसे चूज़ करना है, तो सब कुछ बताऊँगी जिनको नहीं पता। तो अभी मैं आपको पहले बताती हूँ कि कंसीलर होता क्या है। कंसीलर होता है जो हम अपने डार्क सर्कल जो अंडर एरिया के नीचे होते हैं उनको कंसील करता है, तो उसे हम कंसीलर कहते हैं। बट हाईलाइट जो दो तरह का है, जहाँ थोड़ा मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ। एक तो आपको मिल जाता है आपकी स्किन की तरह का, तो वो हम अपने बिल्कुल भी नेचुरल लगता है, ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ ज़्यादा मेकअप लगाया हुआ है। चाहे आप फाउंडेशन लगाएं चाहे ना लगाएं, सिर्फ आपने अंडर आइज़ पे अपनी स्किन टोन का ले लेना है नीचे, तो वो लगा लेना है और बहुत ही बढ़िया आपको नेचुरल से लुक देगा और आपके डार्क सर्कल इजी से सुप जाएंगे। तो दूसरा होता है एक आपकी स्किन से एक शेड लाइट होता है, जो एक दो शेड जो जो भी जिसे जितना हाईलाइट करना है पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं उतना ही हाईलाइट। तो ये थोड़ा आपके जो अंडर आइज़ एरिया है, तो आपके अंडर आइज़ को थोड़ा ब्राइट करता है, हाईलाइट करता है। तो अब मैं बताऊंगी दोनों यूज़ करके आपको कैसे यूज़ करने हैं, जो हाईलाइट करता है या जो नेचुरल दिखता है। बहुत तरह के हाइला जो कंसीलर हैं आते हैं, आपने देखा है स्टोरों पे भरे पड़े हैं, बहुत मुश्किल होता है उनमें चूज़ करना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपको के जो बीजी थोड़ी वीडियो इजी हो सके। तो अभी मैं बताऊँगी कि हम कैसे कैसे चूज़ करेंगे गाइस, तो देखते रहिए मेरी वीडियो, चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, जो मैं यहाँ पर कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ वो है मैक का। तो आप जैसे मैंने बताया कोई भी कंसीलर चूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है, आपको आपके पास जो भी है आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये मैक का, तो ये ऑलमोस्ट मेरी स्किन का ही है गाइस, ब्राउन स्किन है जैसे मेरी, तो ये इसके लिए ही है। तो मैंने स्पेशल वहाँ मैक के स्टोर पे उन्होंने मेरे चेक किया तो मुझे दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वेरी इजी है। लेकिन अगर आपका कोई चेक भी नहीं कर सकते, नहीं भी है स्टोर जैसे अब तो बिल्कुल नहीं है, तो आप बिल्कुल अपनी स्किन से मिलता हुआ ले सकते हैं ये कंसीलर, ताकि जो आपके स्किन के ऑब्जर्व हो जाए स्किन में और आपको पता चल सके कि ये कंसीलर बहुत बढ़िया है मेरे लिए, मैं यूज़ कर सकती हूँ कि नहीं। अभी आपको मैं बता ही देती हूँ, पहले जैसे ये है NW35 कंसीलर, SPF 35 भी है गाइज इसमें, ये बहुत बढ़िया बात है गर्मियों में, तो आप कोई भी यूज़ करें। तो देखिए मैं अभी आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, आपने थोड़ा सा लिया ऐसे उंगली में बस, तो आपने ऐसे थोड़ा थोड़ा सा लगा लेना है, तो ये आपके जो डार्क सर्कल है उनको कंसील कर देगा। देखिए चाहे मैंने फाउंडेशन लगाई है नहीं लगाई है, लेकिन अब मैंने नहीं लगाई है तो तब भी देखिए आप इस आइज़ को, अभी मैंने बहुत जस्ट थोड़ा सा लगाया है, काफ़ी हैवी कवरेज में भी आते हैं बट ये ही बहुत स्किन लाइक लगता है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ, इतना ज़्यादा थिक नहीं है ता जो मेरे फाइन लाइन ज़्यादा उबर के ना आए, इसलिए मैं थिन ही चूज़ करती हूँ। बट देखिए अब मेरी इतना ही लगाने से बिल्कुल कम, तो उससे ही मेरी आइज़ में कितना फ़र्क पड़ा है गाइस, यू कैन सी। तो ऐसे ही हम लगाएंगे दूसरी आइज़ पे, चाहे गाइस आपके पास ब्रश नहीं है तभी मैं हाथ से लगा रही हूँ, कि कोई ब्रश की प्रॉब्लम नहीं होता, अपने ऐसे डैब कर लेना है। अगर आप जैसे पार्टी वगैरह होती है फिर तो थिक चल जाते हैं, लेकिन जब कभी जैसे अब हमने थोड़ा बहुत रेडी होना है कहीं छोटी मोटी पार्टी, जब बाहर जाने के लिए मार्केट वगैरह, तो आपने सिर्फ बहुत कम कम लगाएं, तो और भी कहीं आपको लगे देखिए तो जहाँ जहाँ भी है आप लगा सकते हैं। पिगमेंटेशन है, ब्लैक है, तो आपको फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं, आपकी ये
सब जो जगह है उनको कंसील कर देगा, तो आपका फेस काफी साफ दिखाई देगा। देख लीजिए, तो जैसे मैंने बताया आपको कि है कंसीलर जैसे कई फॉर्म में आते हैं, जैसे एक है ये क्रीम है, तो एक आता है लिक्विड आता है, एक आता है स्टिक, ऐसे लिए आप बहुत से चले हुए हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास है अफोर्डेबल है आप ले सकते हैं। बस हमारा मेन काम है आप हमारे डार्कर सर्कल को कम करना। तो एक तो हमारे पास ये स्किन के जैसा हो गया, जो हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, तो एक होता है थोड़ा जो हम जैसे मैंने बताया पहले कि जो हमने थोड़ा अपने हाईलाइट करना होता है, उभारने होते हैं अपने जो सारे फीचर्स हैं, तो उनके लिए हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा अपनी स्किन से एक स्किन टोन ऊपर लें, उससे आपका जो भी बताती हूँ क्या कहने का मतलब है, तो उससे हमारा जो अंडर आई एरिया है थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। जैसे अभी मैं दिखाती हूँ, ये थोड़ा लाइट है गाइस, बहुत कम कम लगाऊंगी मैं, तो उसके लिए आपके पास कोई भी स्पंज है आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अब इसे लगा लिया, अब इसे ब्लेंड कर लेना है अच्छे से पूरी आईज में। ये हमारी स्किन से एक शेड लाइट होगा गाइज, इससे हमारे जो अंडर आईज हैं थोड़े हाईलाइट हो जाएंगे, ऐसे थोड़ा और भी आपका जो चेहरा खिला खिला लगेगा और आईज ओपनिंग लगेगी। पहले मैंने आपको बताया, तो अब आपको डेमो दिखा रही हूँ, तो देखिए ऐसे ही हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं हाईलाइट करने के। मैं अभी ज़्यादा आपको नहीं बताना चाहती क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, बट ऐसे आप कहीं आपको लगे कि हमने थोड़ा हाईलाइट करना है अपना फेस, तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो ऐसे अच्छे से ब्लेंड करें। जैसे हमारे आप लिप्स पे डार्क सा होता है, कई बार हम नहीं कराते करवाना होता है हमें थ्रेडिंग वगैरह लिप्स वगैरह, तो फिर थोड़ी ब्लैक लगता है, तो इससे थोड़ा आपका कम हो जाती है प्रॉब्लम। तो देखिए बहुत कम लगाया है। और बात जो है गाइस, जब आप हाईलाइट और कंसीलर लगा सकते हो, तो एक और भी बहुत ये था मैंने जो यूज़ किया, ये मेबलिन का, ये भी अफोर्डेबल है, और ये जो है एले गर्ल का, तो ये भी बहुत ही दोनों अफोर्डेबल है, आप इजी से परचेज कर सकते हो कहीं से भी। तो अब दूसरी बात है, अगर हम कंसील करते हो तो उसके लिए हमें पाउडर के साथ, आपके पास कोई भी लूज पाउडर, कोई भी सेटिंग पाउडर है गाइस, आपने अपने अंडर आइज को सेट जरूर करना है, नहीं तो आपका कंसीलर क्रीस कर देगा और दूर से बहुत ही अच्छा नहीं दिखाई देगा, बहुत ही लाइक अननेचुरल सा लगेगा, तो इसलिए हमें इसे सेट करना पड़ता है। कोई भी पाउडर ले लें आप, तो मैं यहाँ मेबलिन का ले रही हूँ, तो उससे आपने अपनी आइज सेट कर लेनी है। गाइज मैं आपको साथ में ही अंडर आईज और अपनी लिड भी कर रही हूँ आईज की, ताँ जो एक सी लगे, नहीं तो उसके लिए तो अलग प्राइमर चले हुए हैं, तो जहाँ जहाँ आपने कंसील किया था वहाँ वहाँ पे आपने अच्छे से सेट कर लेना है, ताँ जो आपका कंसीलर हिले नहीं, टिका रहे पूरा दिन। तो गाइस देखिए अब आपको कैसा लग रहा है पहले से, तो अब मेरा फेस तो गाइस देखिए अब आपको बिल्कुल ही अंडर मेरे जो काले घेरे थे डार्क सर्कल्स से बहुत कम हो गए हैं। तो होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, सेल्दन।